सबसे पहले टाइप ऑफ फोर्सेस से स्टार्ट है। टाइप ऑफ फोर्सेस में ये ना सोचें कि हम चार टाइप की फोर्स करेंगे, टाइप नंबर वन के न्यूमेरिकल करेंगे, टाइप नंबर टू थ्री एंड फोर, ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ पर ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स है, ये प्लस वन एंड प्लस टू ही नहीं, जितनी भी फिजिक्स है, टोटल फिजिक्स, उसमें पूरी कैटेगरीज बना रखी है चार किस्म की फोर्सेस की। और वो फोर्सेस हम अभी इतनी छोटी भी नहीं है कि 15 दिन में मैंने आपको सिखाई, आपने कहा फोर्स आ गई ना, 2 साल लगेंगे आपको सीखने में ये सारा। जैसे टाइप ऑफ फोर्सेस में पहली टाइप की फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन ने बनाई, तो उसने कहा कि ठीक है कि कोई भी यूनिवर्स में दो मासेज अगर M1 M2 वो आपस में हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, सो रिपेल कभी नहीं करेंगे, और कितनी फोर्सें करेंगे, G m1 m2 / r², ये उसने में फॉर्मूला दिया था। तो आपने कहा ठीक है, हमने सुना हुआ है न्यूटन का, वो एप्पल गिरता है अर्थ के ऊपर, वो क्यों अट्रैक्ट करती है, ये सब हमें पता है, ठीक है, समझ में आया हमें। आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछेंगे सर अभी हम ये स्टार्ट करेंगे ना, बिल्कुल नहीं करेंगे, हम ये सितंबर एंड में करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन करके एक चैप्टर आएगा, उसमें ये डिटेल में सिखाई जाएगी। पर हाँ, मैंने आपको बता दिया कि ये एक किस्म की फोर्स है। नंबर टू, सेकेंड टाइप की फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसमें इलेक्ट्रो मीन्स कहीं ना कहीं रिलेटेड टू चार्ज, फील्ड्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसका बेस्ट एग्जांपल है कूलम फोर्स। कूलम लॉ करके एक लॉ है जो ये बोलता है कि आपके पास अगर दो चार्जेस हैं, Q1 Q2 चार्जेस हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, ये दो चार्जेस या तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, डिपेंडिंग इनका चार्ज का नेचर क्या है। प्लस प्लस रिपेल करेंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे। कितनी फोर्स से करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड है 1/4πε0 Q1 Q2 / r², ये फॉर्मूले को कूलम लॉ भी बोलते हैं और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं। तो कूलम फोर्स है। अब कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ओरिजिन क्या है, ओरिजिन समझते हो कि कहां से आ रही है ये फोर्स। ये फोर्स होने के लिए आपको दो चार्जेस जरूरी हैं, दो चार्जेस होने जरूरी हैं, Q1 एंड Q2। तो इनका ओरिजिन कौन हुआ, चार्ज, ठीक। अब एग्जांपल, ये कहां देखने को मिलती है, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को हर वक्त अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम फोर्स है। दूसरा एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स। आपको ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये कौन से चार्ज से बनी हुई है, हमें तो पता ही नहीं था। हमें तो ये पता लगा कि एक सरफेस अगर रफ है तो वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है। ये कहाँ से, ये इस फोर्स का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे हो सकता है। जब हम फ्रिक्शन पढ़ते हैं, हम छोटी क्लास में फ्रिक्शन कैसे पढ़ते हैं कि भाई फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है, एक बॉक्स को आपने आगे धक्का मारा और ज़मीन ने उसको फ्रिक्शन अप्लाई की इन अपोजिट डायरेक्शन, बस बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। ये एक लेवल ऑफ स्टडी है। फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, हम कहते हैं फ्रिक्शन और डिटेल में स्टडी करेंगे, तो आपको मेरे जैसे टीचर दिखाएगा, देख ऐसा है, तू अगर ध्यान से देखे तेरी सरफेस कैसी है, ये टेबल है मान लो, ये टेबल स्मूथ लग रहा है, ये है नहीं, अगर तू माइक्रोस्कोप से देखेगा तो ये टेबल तेरे को ऐसा दिखेगा, रफनेस है थोड़ी सी, और अगर रफ सरफेस देखेगा तो और रफ सरफेस तेरे को ऐसी दिखेगी। और कोई कहता है ज़मीन तो ऐसी दिखती नहीं है, हाँ नहीं दिखती, मैं कह रहा हूँ अगर डीप अंदर जाके देखें तो आपको रफनेस दिखेगी, और एक और बॉडी अगर इसके ऊपर रख दी जाए वो भी रफ ऐसे दिखेगी, तो इंटरलॉकिंग हो जाती है सरफेस में ऐसे, जब ये भारी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर करता है तो ये सरफेस रफ है ऐसे, इंटरलॉकिंग हो गई। तो अब इंटरलॉकिंग तोड़ने के लिए क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, फोर्स। वो जो फोर्स है वो अपोजिंग फोर्स है, उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अब कोई कहता नहीं और डिटेल सिखाओ, तो मैंने कहा एक काम कर, माइक्रोस्कोप से लेके बैठ जा, माइक्रोस्कोप से देख इसके अंदर क्या हो रहा है। माइक्रोस्कोप से उस स्टूडेंट को क्या दिखते हैं, एटम्स, केमिस्ट्री शुरू हो गई, एटम्स, एटम में फ्री चार्जेस हैं। अब क्या हो रहा है, वो जो एटम्स हैं एक और दूसरी सरफेस के, वो आपस में क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बनाने शुरू कर देते हैं, अंदर बॉन्डिंग हो गई। दो अलग अलग सर्फेसेज हैं, दो अलग अलग सर्फेस के बीच में बॉन्डिंग हो गई। जब मैं बोलता हूँ बॉन्ड हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं चार्जेस शेयर हो रहे हैं, चार्जेस का लेना देना है। और जहां मैं बोल रहा हूं चार्जेस का लेना देना है, यहां वहां पर कूलम फोर्स आ रही है, Q1 एंड Q2। अब एक्चुअल रीजन तो फ्रिक्शन का, इसका मतलब बॉन्ड्स हैं, जितने स्ट्रांग बॉन्ड होंगे, और देखो ना अगर जितनी खुरदरी सरफेस है, रफ सरफेस है और भारी सरफेस है ऊपर वाली, तो नीचे एंटर कर जाएगी वो,
और बॉन्ड काफी स्ट्रांग बना लेगी। तो एक्चुअल में जो रीजन है वो एक्चुअल में बॉन्डिंग ही है आपस में, कूलम फोर्स है जो रोल प्ले करेगी, पर हम केमिस्ट्री खोल के नहीं बैठेंगे फिजिक्स क्लास में, देख बॉन्ड बन गया, हम बॉन्ड नहीं करेंगे। रीजन बता रहा हूं, एंड वहां पे जाके होगा फ्रिक्शन का, बॉन्ड्स पे जाके। इसलिए ये किस कैटेगरी की फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जहां पर चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं। पर हम इतनी डीप स्टडी नहीं करेंगे, हम इतनी करेंगे बस, मैं कहूंगा देखो सरफेस रफ है, फ्रिक्शन ज्यादा है, बस इतनी करूंगा। लेकिन अगर और ओरिजिन ढूंढा जाए तो ओरिजिन बॉन्ड्स के जाके मिलेगा, चार्जेस के साथ मिलेगा। तो इसलिए इसकी नेचर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि फ्रिक्शनल फोर्स किस कैटेगरी की फोर्स है, आंसर क्या मार्क करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हैंडशेक करना, वो कहेगा हाथ मिलाते हैं हम, हाथ मिला रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्योंकि हैंडशेक, देखो आप हाथ को जब जो है इसको अगर मान लो रगड़ते हो तो क्या हो रहा है? फ्रिक्शन है। आप तेज रगड़ोगे गर्म हो जाएगा, फ्रिक्शन है ना। तो अंदर क्या बन रहे हैं? अंदर भी बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो बेसिकली हैंडशेक करना भी कहीं ना कहीं बॉन्ड्स का बनना है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की नेचर है। तो क्वेश्चन आएगा हैंडशेक किस कैटेगरी की फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तीसरा आएगा, एक रस्सी ले लो, रस्सी बिल्कुल टाइट है, खींचो, रस्सी टाइट है, रस्सी के अंदर फोर्स, रस्सी की फोर्स को फोर्स नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? टेंशन। बताया था यूनिट डायमेंशन में टेंशन। तो रस्सी के अंदर क्या होता है? फाइबर्स हैं, धागे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, वो धागों के अंदर ना बॉन्ड्स बने हुए हैं, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड्स हैं उनके। और रस्सी मोटी होने का मतलब लाखों करोड़ों बॉन्ड्स बनाना, पतली होने का मतलब हजारों में बॉन्ड्स बनाना। धागा लेना यानी कि 100 में बॉन्ड्स बनाना, धागा तोड़ना आसान है, रस्सी मोटी रस्सी तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि लाखों करोड़ों, क्योंकि उसमें धागे ज्यादा हैं। तो बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग है, तो बेसिकली उसका नेचर भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो पूछेगा टेंशन जो है उसका ओरिजिन क्या है? चार्जेस हैं। तो कौन सी फोर्स है? टेंशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आपने सुना होगा रिएक्शन फोर्स, न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, सुना हुआ है आपने। तो एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट में एक्शन और रिएक्शन होता क्या वैसे? रिएक्शन क्या है मतलब? एक्शन कौन सा? एक्शन, एक्शन क्या है और रिएक्शन क्या है? ऐसे मत करो यार, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट में एक्शन रिएक्शन क्या है? क्या लग रहा है? फोर्स, फोर्सेस। एक्शन फोर्स है, रिएक्शन भी फोर्स है। अगर एक बॉक्स का वेट 100 न्यूटन है और वो 100 न्यूटन फोर्स किस पे लगाएगा? ग्राउंड पे लगाएगा। तो ग्राउंड भी बदले में उसके ऊपर 100 न्यूटन फोर्स लगाएगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो 100 न्यूटन जो उसका वेट लग रहा है वो एक्शन है, और 100 न्यूटन जो वापसी मिल रही है ग्राउंड से वो उसका रिएक्शन है। सही है। तो जब कोई ब्लॉक को आपने ग्राउंड पे रखा, जब दो सर्फेसिस कॉन्टैक्ट में आ गई तो बॉन्ड तो बन नहीं है, तो कौन सी नेचर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो रिएक्शन की फोर्स तब आएगी जब आप उसको ग्राउंड पे रखोगे, जब ग्राउंड पे रखोगे ही नहीं तो रिएक्शन फोर्स कैसे आएगी? तो इसलिए रिएक्शन की फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, क्योंकि दो बॉडी जब कॉन्टैक्ट में आती हैं तो कहीं ना कहीं चार्जेस अपना रोल प्ले करेंगे ही करेंगे, जो दिखाई नहीं दे रहे हम लोगों को। तो आप अगर पूछो सर ये कब पढ़ेंगे हम, प्लस टू के अप्रैल में और मई में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे इसे, प्लस टू का कोर्स है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में टेंशन आज पढ़ेंगे, ये 10 दिन बाद पढ़ेंगे, रिएक्शन फोर्स भी आज पढ़ेंगे। ठीक, बता रहा हूँ कि कब कौन से जो है टाइम पे कौन सी फोर्स को स्टडी करवाया जाएगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फोर्स, नाम से पता लग रहा है। न्यूक्लियर फोर्स का मतलब क्या है? न्यूक्लियस के अंदर की फोर्स। न्यूक्लियस में क्या देखे जाते हैं? प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटोन प्रोटोन की फोर्स, और ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव नहीं है। प्रोटोन प्रोटोन की फोर्स, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की फोर्स, प्रोटोन न्यूट्रॉन की फोर्स। न्यूक्लियर फोर्सेस का चार्ज के साइन से, प्लस या माइनस से कोई लेना देना नहीं है। कूलम फोर्स का लेना देना है, वो अट्रैक्टिव रिपल्सिव भी हो सकती है। न्यूक्लियर फोर्स अनचार्ज पार्टिकल पे भी लगती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे भी लगती है। राइट, क्लियर है यहाँ तक? तो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी आपसी फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये किनके किनके बीच में है? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में।
ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज का मतलब इनके बीच में ये तब एक्ट करते हैं जब दूरी बहुत कम है, 10^-14 मीटर, 10^-18 मीटर, इतनी छोटी डिस्टेंस पे काम करती हैं। ऐसा नहीं हो सकता एक न्यूट्रॉन यहाँ, एक न्यूट्रॉन 10 मीटर दूर है, न्यूक्लियर फोर्स बताओ। भाई न्यूक्लियर फोर्स के न्यूक्लियस चाहिए, न्यूक्लियस तो होता ही बहुत छोटा है, तो ऐसे नहीं लगेंगे, न्यूक्लियस के अंदर लगेंगे और न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट है, ये फोर्सेस कूलम फोर्स से बहुत कमज़ोर होती हैं। ये जो न्यूक्लियर न्यूक्लियस की फोर्सेज हैं, ये कूलम की फोर्स जो है 1/4 pi जो ऊपर था Q1 Q2 r2, उससे बहुत छोटी होती हैं। अगर आपका डिस्टेंस दो पार्टिकल्स का, दो चार्जेस का डिस्टेंस 10^-14 मीटर से ज़्यादा है, अगर आपका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तो न्यूक्लियर फोर्स कमज़ोर हो जाएगी, कूलम फोर्स स्ट्रांग रहती है। लेकिन अगर डिस्टेंस 10^-15 मीटर से कम है, यानी कि काफ़ी पास आ गए पार्टिकल, चार्जेस काफ़ी पास आ गए, तो न्यूक्लियर फोर्स बड़ी हो जाती है और कूलम फोर्स छोटी हो जाती है। पास आने पर न्यूक्लियर फोर्स बड़ी हो जाती है, दूर जाने पर कूलम फोर्स बड़ी हो जाती है, ये रूल बताया गया। किसी ने पूछा ये कब पढ़ेंगे, ये प्लस टू के अंदर नवंबर मंथ में पढ़ेंगे, अब तो बहुत टाइम है, लेकिन 2 साल की टोटल फोर्सेस बता रहा हूँ कि टोटल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इससे पता लग रहा है कि फोर्स आपका पीछा छोड़ेगी नहीं अगले साल नवंबर तक भी, सिलेबस खत्म होने वाला है तब तक, तो ठीक चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस कब एक्ट करती हैं या कहाँ देखने को मिलती हैं? वीक फोर्सेस होती हैं जब एक न्यूक्लियस ब्रेक होता है, टूटता है, इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं। जब एक न्यूक्लियस टूटता है ना और रेडियो एक्टिविटी होती है, तो कभी कभी देखा जाता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में इलेक्ट्रॉन फ्री बीच में से निकल के आ जाता है। आपको ये क्या रिएक्शन है, न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है और एक नया पार्टिकल निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। आप कहोगे ये हम पढ़ेंगे, हाँ हम अगले साल पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एक मिनट के लिए पढ़ेंगे, एक मिनट के बस, प्लस टू में एक मिनट, इतना सा बस टॉपिक है, छोटा सा। तो मेरे कहने का मतलब ये भी टाइप ऑफ फोर्सेस होती हैं जो हम शायद कहना चाहिए कि नहीं पढ़ेंगे या बहुत कम पढ़ेंगे, पर एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि जब न्यूक्लियस ब्रेक होगा तब ये अपना काम करेंगी। फिलहाल प्लस टू तक न्यूक्लियस ब्रेक नहीं होगा हमारा, तो उसके बाद आपने सुना होगा बहुत इंग्लिश मूवीज़ में, तो स्पेशली कोई साइंटिस्ट अंग्रेज पागल हो जाता है, ज़्यादा पढ़ लिख देता है और फिर वो विलन बन जाता है, ज़्यादा फ्रिक्स आ जाती है, फिर वो बोलता सुनाई देगा मैं क्वांटम फिजिक्स में काम कर रहा था, क्वांटम फिजिक्स बहुत सुना होगा आपने। तो ये दो टाइप की फिजिक्स है, फिजिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, एक क्लासिकल एक क्वांटम। अगर आपके पार्टिकल का साइज जिस पे आप काम कर रहे हैं वो 10^-6 मीटर से बड़ा है, चाहे कार है, चाहे ट्रक है, चाहे बेंच है, चाहे आप हो, तो फिर उसके ऊपर न्यूटन के लॉ, थर्मो के लॉ, नॉर्मल फिजिक्स के लॉ एप्लीकेबल है। हम कहते हैं हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं। पर अगर आपका पार्टिकल का साइज 10^-6 मीटर से कम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन, तो हम कौन सी फिजिक्स पढ़ रहे हैं? क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अब क्वांटम फिजिक्स बहुत डेंजरस है, क्योंकि न्यूक्लियस जब ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो फिर वो खतरनाक हो सकता है। यूरेनियम ब्रेक होगा, यूरेनियम ब्रेक करना बहुत आसान है, सबको पता है, सुना हुआ है ना 10th 9th में, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर बहुत बड़ा है। तो बेसिकली वो क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है ना, आप बहुत छोटे पार्टिकल को क्या कर रहे हो, ब्रेक करने जा रहे हो और एनर्जी रिलीज होने जा रही है, तो क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो बेसिकली ये फिजिक्स और उसके टाइप ऑफ फोर्सेस को एक्सप्लेन किया गया इसमें, ये ओवरव्यू है। असली काम अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट।